नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर अब धीरे धीरे थमने लगा है, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले इस वायरस की दूसरी लहर ने देश में जमकर कहर बरपाया। तो वहीं अभी भी इस वायरस की चपेट में हर रोज लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो वहीं हजारों की संख्या में अब भी इस वायरस की वजह से लोगों की जाने जा रही है। ऐसे में इस वायरस का असर आम से लेकर खास तक सभी लोगों पर पड़ा है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ही नहीं, टीवी इंडस्ट्री के कई स्टार्स भी कोरोना वायरस की चपेट में आए थे, तो वहीं अब ठीक होकर वो अपने घर वापस लौट भी चुके हैं। ऐसे में अभी हाल ही में टीवी की पॉपुलर कॉमेडियन भारती सिंह का भी दर्द सामने आया था। दरअसल भारती सिंह ने एक शो में खुलासा किया था कि वो कोरोना वायरस की वजह से अपना बेबी प्लान नहीं कर पा रही हैं, और इसको बताते बताते वो सेट पर ही रो पड़ी थी, जिसके बाद सोनू सूद और नौरा फतेही की आंखों में भी आंसू आ गए थे। और सोशल मीडिया पर भी भारती सिंह का ये वीडियो जमकर वायरल हुआ था। वहीं उसके बाद अभी हाल ही में भारती सिंह ने अपनी बेटी का खुलासा किया। दरअसल उन्होंने बताया कि उनके करियर की स्टार्टिंग में ही उनकी बेटी हो गई थी, तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि हमने अभी तक अपना करियर नहीं बनाया है, तो हम अपनी बेटी को वापस बाद में देंगे। तो अभी हाल ही में भारती सिंह ने यह बताया कि हम करियर तो बना नहीं पाए, तो ऐसे में हमने सोचा कि हम अपनी बेटी को भी वापस ले लेते हैं। तो कौन है भारती सिंह की बेटी और क्या है ये पूरा माजरा, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया दोनों ही जब एक साथ होते हैं वहाँ एक अलग माहौल बना देते हैं। दोनों कब किसके साथ प्रैंक करें पता ही नहीं चलता। अब डांस दीवाने के सेट पर दोनों ने कंटेस्टेंट गुंजन के साथ मस्ती की। इस दौरान भारती ने कहा कि गुंजन उनकी बेटी है जो उनके करियर के शुरुआत में पैदा हो गई थी। दरअसल इस वीडियो को हर्ष ने शेयर किया है जिसमें वो पहले गुंजन को दिखाते हैं जो स्ट्रेचिंग कर रही होती है, फिर वो कहते हैं भारती गुंजन को सच बताओ क्या सच है। भारती कहती हैं, मैं सभी को बताना चाहती हूं कि गुंजन हमारी बेटी थी। जब हमने अपने करियर की शुरुआत की तब गुंजन पैदा हो गई थी। उस वक्त अपना करियर बनाना चाहते थे तो हमने गुंजन को उनकी मम्मी के पास दे दिया। अब हमारा करियर तो बना नहीं, इतना तो सोचा बेटी ही ले लेते हैं वापस। फिर भारती गुंजन को गले लगाते हुए कहती हैं, मम्मी के पास आओ गुंजन, तुम्हारे दांतों में हमारा खून है, तुम्हारे मसूड़ों में। भारती की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। कुछ दिनों पहले शो के दौरान ही भारती ने खुलासा किया था कि वो हर्ष और डांस दीवाने 3 के मंच पर हुआ बीते रोज भारती ने भड़ा खुलासा किया, जहाँ उन्होंने बताया कि वो पति हर्ष के साथ अपनी शादी के बाद से ही बच्चा प्लान कर रहे थे, लेकिन इन दिनों जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें किसी बच्चे को जन्म देना या उसके बारे में सोचना भी बुरा लगता है, जिस वजह से हम इस बारे में अभी ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान ये कोरोना को जल्द खत्म करो तो वो इसके बारे में आगे सोचेंगी। टीवी पर अक्सर अपनी कॉमेडी से दर्शकों के चेहरे पर खुशी बिखेरने वाली भारती सिंह अचानक शो के बीच में फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें शांत कराने के लिए खुद सोनू सूद मंच पर आए। इतना ही नहीं, भारती ने रोते हुए इस बात का खुलासा किया कि वो माँ क्यों नहीं बनना चाहती। भारती की बातें सुन वहाँ मौजूद सभी कंटेस्टेंट के अलावा दर्शक भी भावुक हो गए। भारती की बातें सुन सोनू सूद और एक्ट्रेस नौरा फतेही की भी आंखों में आंसू आ गए थे। ऑन एयर हुए शो में गरीबों की मसीहा कहे जाने वाले सोनू सूद स्पेशल गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे। शो में सोनू सूद ने बताया कि कैसे वो और उनकी फाउंडेशन कोरोना की मार झेल रहे गरीब और मजदूरों की मदद कर रहे हैं। शनिवार का शो भी कोरोना वायरस के थीम पर फिल्माया गया था। एपिसोड में कई डांस परफॉर्मेंस में कोरोना और उससे जुड़ी दर्दनाक कहानियों को दिखाया गया। एक कंटेस्टेंट ने अपने डांस के जरिए कम उम्र के बच्चों की कोरोना से निधन की कहानी को बयां किया। डांस परफॉर्मेंस में दिखाया गया कि 1-2 महीने के बच्चे की कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते निधन हो गया। इस परफॉर्मेंस को देखकर हर कोई भावुक हो गया। भारती सिंह अपने फीलिंग्स को रोक नहीं सकी और फूट फूट कर रोने लगी। भारती की परफॉर्मेंस देख अपनी कोरोना संक्रमित माँ और उस समय हुई परेशानियाँ याद आने लगीं। भारती ने बताया कि उनकी माँ फ़ोन करती थी और कहती थी कि सामने वाले अंकल अब नहीं रहे। भारती सिंह ने अपनी माँ से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए बताया कि वो डरने लगी थी, कहीं उन्हें भी ऐसी खबर ना सुननी पड़े। कॉमेडियन ने कहा कि इस कोरोना काल ने अंदर तक तोड़ दिया है। उन्होंने कहा, पता भी नहीं था कि इतने छोटे छोटे बच्चों को भी कोरोना हो रहा है। सोनू भाई, हम पिछले कुछ समय से बेबी प्लान के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसी बीमारी और खबरें सुनकर मन नहीं करता, मैं ऐसे रोना नहीं चाहती।
भारती सिंह ने आगे कहा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, सबको हंसाती रहती हूँ, लेकिन इतनी भी मजबूत नहीं कि ये दुख झेल पाऊँ। मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं हर्ष से बात करूँ कि बेबी प्लान करते हैं। इस एपिसोड का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें खुद कंटेस्टेंट डांस परफॉर्मेंस देने के बाद बताती है कि ये एक सच्ची घटना है, खुद एक माँ हूँ और ये सोच भी नहीं सकती कि किसी के साथ ऐसा हो। इस पर भारती भी कहती है कि हमारी खुद हिम्मत नहीं हो रही बेबी प्लान करने की। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ को भी जरूर सब्सक्राइब करें।